बहुत से लोग इस वहम में रहते हैं कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अल्टीमेटली सच की जीत होगी। लेकिन इतिहास अगर हम देखें दोस्तों, तो जिन जिन देशों में जनता केयरलेस हुई वो देश तबाही की ओर गिरे हैं। चाहे हम जर्मनी में हिटलर के राइज की बात करें, चाहे ईरान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या नॉर्थ कोरिया हो, सच परेशान हो सकता है और पराजित भी। सच को अंधेरी रात में 3 बजे शमशान में जलाया जा सकता है। सच को गवाहों की लाशों के ढेर में दबाया जा सकता है। सच को झूठे केस में फंसाकर कई महीनों या कई साल तक जेल में तड़पाया जा सकता है। सच को किया जा सकता है गुम झूठ और अफवाहों की भीड़ में। सच को किया जा सकता है अनसुना नीरों की बांसुरी के शोर में। सच बात तो यह है कि सच को खरीदा जा सकता है, धमकाया जा सकता है, कुचला जा सकता है पांव तले। सच वो मार्गदर्शक है जो समाज को अंधेरे में डूबने से बचाता है। लेकिन सच कोई सूरज नहीं, सच कोई योद्धा भी नहीं। सच है एक सफेद कबूतर जिस पर नजर टिकाए रहती है खूंखार बिल्लियां। सच को बचाना पड़ता है, सच के लिए लड़ना पड़ता है, डर का जाल तोड़कर जोर जोर से सच बोलना पड़ता है, वरना सच परेशान भी हो सकता है और पराजित भी। तो दोस्तों देख क्या रहे हो, बोलो, जहां भी हो सकता है बोलो, सोशल मीडिया पर या सड़कों पर। ये मत उम्मीद करना कि कोई आसमान से आकर आएगा और देश को बचाएगा। आप ही को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, आप ही को सच को बचाना पड़ेगा।